33 लोगों ने व्यक्तिगत रूप से आवेदन पेश किए। उसके बाद से वहाँ से सभी लोग आए और रात में किसानों के बीच में मीटिंग हुआ। उसी दरमियान मतलब छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चे वाले जो भैया लोग हैं वही आए और इस आंदोलन के बारे में प्रेरित किए कि आप लोगों को ऐसा करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। जब तक आप लोग आंदोलन नहीं करोगे तब तक आपका जमीन बचेगा नहीं, क्योंकि जो सरकार है और जो आज बड़े बड़े कोर्ट हैं, अदालत हैं, जो भी हैं, वो सरकार के पक्ष में फैसला लेती है और ये करती है। ऐसे करके उन लोगों ने बार बार समझाए, तभी जा करके इंदावानी के पुरुष वर्ग और लेडीज वर्ग एक होकर के हम लोगों ने आवाज़ उठाई और अपना जो आवाज़ है कोर्ट तक ले जा करके पूरा ये किए, लड़ाई किए और अंत में हमारी ही जीत हुई। छत्तीसगढ़ राजनांदगांव जिले के इंदावानी गांव में प्रभावित किसानों के द्वारा जो भूमि अधिग्रहण सरकार के द्वारा किया जा रहा था, इसके लिए जीत हासिल किए हैं। करीब 90 परिवारों की भूमि अधिग्रहण किया जा रहा था, ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है। वहाँ पे फूड पार्क बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण किया जा रहा था और केवल इंदावानी गांव की बात नहीं थी बल्कि 7 गांव की जमीन इस फूड पार्क के लिए लिया जा रहा था। मैं यहाँ के कृषक हूँ और हमारे गाँव में लगभग 40 किसानों का जमीन, जिसका लगभग 187 एकड़ की जमीन थे, उसे औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए गवर्नमेंट द्वारा अधिग्रहण करने की सूचना दिया गया था। फूड पार्क बनने से हमारे किसान को तो पूरा नुकसान होता, क्योंकि इसमें सरकार और जो फूड पार्क चलाने वाले उद्योगपति होते जो भी, उनको अधिक फायदा होता, क्योंकि हमारी किसानी चले जाने के बाद हम लोग बेघर हो जाते। और इसमें करीबन कम से कम 50 व्यक्तियों के घर उजड़ रहे थे, उसमें मेरा भी घर है, मेरा घर भी है और मेरा पूरा जमीन भी है। जीत कैसे मिली? सब आंदोलन से ही मिला, सबका सहयोग था, गांव वालों का, बच्चों का, पूरा मर्दों का, औरतों का, बूढ़े बच्चे सभी रात को जुलूस निकालते थे हम लोग शाम को, और गांव में और आसपास गांव भी जाते थे हम लोग। छत्तीसगढ़ में भूमि अधिग्रहण को लेके कई संघर्ष चल रहा है, लेकिन आज तक असफल रहा है। इंदावानी गांव के लोग करीब 2 साल तक लड़ाई लड़ी और 147 हेक्टर जमीन की जीत मिली है, जो हमारे छत्तीसगढ़ में आंदोलन चल रही है उसके लिए ये प्रेरणा स्रोत है। मैं भान साहू, छत्तीसगढ़, इंडिया अनहट के लिए।